फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ में जहां एक और जिला बसता है जिसे रिजर्व पुलिस लाइन, मेला प्राधिकरण, नगर निगम ऑफिस बनते हैं, तो महाकुंभ को लेकर जहाँ 2,80,000 स्क्वायर फीट में रिजर्व पुलिस लाइन बसाया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण पंडाल और पुलिस कर्मियों के रहने के बैरिक की व्यवस्था की जा रही, जिसकी तैयारी का जायजा लेने एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर, आईजी रेंज प्रेम गौतम, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा व महाकुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी पहुँचे। रिजर्व पुलिस लाइन में चल रहे काम का एडीजी जोन प्रयागराज ने निरीक्षण किया और रिजर्व पुलिस लाइन बनाने में लगाए जा रहे सामान की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता चेक करके सामान लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सारे बैरिक का जायज़ा लिया है, पुलिस कर्मियों के रहने की सुविधाओं को देखा है और किसी प्रकार की पुलिस कर्मियों को मेले में ड्यूटी के दौरान समस्या ना हो उसके लिए उन्होंने ये औचक निरीक्षण किया और समस्त अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। पुलिस का जो प्रबंधन है उसमें बहुत बड़ा अंग है प्रशिक्षण का, तो प्रशिक्षण के संबंध में ये एसएसपी कुम साहब ने यहाँ पे नया संकल्प भवन बनाया है, तो ये हमारा संकल्प पंडाल है जिसमें यहाँ प्रशिक्षण शुरू होगा। तो सर्वप्रथम लगभग 1,000 हम लोग के जो कोर टीम है उनकी प्रशिक्षण शुरू होगी, जो कल से शुरू हो रही है। तो सारी फोर्सेज जो है पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की सभी जगह से आमद कर रही हैं और सभी लोग आ रहे हैं। उनके रहने की बंदोबस्त किया गया है, यहाँ पे खाने शौचालय सभी का बंदोबस्त किया गया है। तो उनका प्रशिक्षण जो शुरुआत होगा उसके लिए हम लोग सब लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। इसमें हमारे डीजीपी महोदय भी इसमें एड्रेस करेंगे और जितने अधिकारी पूर्व में यहाँ काम किए हैं वो सब आके इसमें अपनी अपनी बात कहेंगे, ताकि हम जितना कोर टीम है वो तो पूरी तरह से एक सुरक्षित कुंभ कराने के लिए संकल्प रहेगा कि वह पूरी सुरक्षित कुंभ कराने के लिए प्रशिक्षित हो जाए। कुंभ में आग लगने की चूंकि तंबुओं से बचा, इसमें दो स्तरीय है। सर्वप्रथम जब लगाया जा रहा है, टेंट लगाया जा रहा है, तो उस समय जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी विंग PWD के ही अधिकारी तैनात किए जाएंगे और वो लगातार जो सामान का उपयोग हो रहा है, जो उसमें बल्ब लग रहे हैं, जो उसमें तारे का उपयोग हो रहा है, जो सॉकेट का स्तर, सबको परीक्षण करके तब लगाएंगे। नंबर दो, लगाते समय भी फायर सेफ्टी के लोग चेक करेंगे कि उपयुक्त तरीके से वो लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, उसको किस डिस्टेंस पर लगना है, कितना लोड इस पर पड़ना चाहिए, वो सभी चीज़ को परख के तब लगाया जाएगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय में जहां APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई, जिसमें मेजा से सपा विधायक संदीप पटेल शामिल हुए, तो उनसे जब उपचुनाव पर गठबंधन के चुनाव लड़ने की बात की तो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और उनका कहना था शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगी। तो साथ ही बहराइच में दंगे मामले पर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, बाकी जो बात आप जानकारी दे रहे हैं ऐसी कोई जानकारी हम लोग इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। और अभी आपने लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुना होगा कि हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा, इधर उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसने जिस तरह से जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम शुरू किया है, बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इससे पूरे प्रदेश की जनता बहुत आक्रोशित है, परेशान है। आज आपने देखा होगा, चाहे बहराइच की दंगा ले लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के एक पिछड़ी जाति के विधायक को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबंग लोगों द्वारा बेइज्जत किया गया, ऐसी अनोखों अनेक घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर घट रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेलोर हैं, क्योंकि वो एक विशेष जाति के मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आज आपने भी STF के इंचार्ज को देख लिया, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था ख़त्म है। कानून व्यवस्था के नाम पर तो केवल जो इनके पुलिस के लोग हैं वो दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने मंगलवार को महाकुंभ के दृष्टिगत जनपद में हो रहे विभिन्न निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण कार्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्य प्रगति का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट से संगम को जोड़ने वाले मार्ग पर निर्माणाधीन सूबेदारगंज ओवरब्रिज के स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का निरीक्षण करते हुए सेतु निगम के अधिकारियों को कार्य को निर्धारित समय 10 सितंबर तक पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने या वहां पर कार्यरत मैन पावर मशीनरी मटेरियल की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए पार्ट चार्ट के
अनुसार कार्य के भौतिक प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कार्यों को समयबद्ध रूप से निर्धारित समय तक पूर्ण कराए जाने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने इसके बाद आईआईटी चौराहे से कालंदीपुरम के बजरंग चौराहे तक सड़क पर हो रहे सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण एवं चौड़ीकरण के कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्य को 30 सितंबर तक पूर्ण कराए जाने के निर्देशित दिया है। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिए जाने के लिए कहा है। उन्होंने सड़क के किनारे 3-लेयर एवरग्रीन व फ्लावरिंग प्लांट लगाने और रोड के किनारे दीवार पर पेंट माई सिटी के तहत थीमेटिक पेंटिंग करने एवं बजरंग चौराहे के पास फ्लैश लाइट लगाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात एयरपोर्ट से पीपलगांव रोड के सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए सभी कार्यों को समय से पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां पर सौंदर्यीकरण हेतु लगाए जा रहे स्तंभ, लाइट पोल, रेलिंग डिजाइन को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट के पास सड़क किनारे लगे हुए बिजली के 2 खंभों को 100 मीटर दूर शिफ्ट किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने PWD एवं PDA द्वारा कराए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारी को कराए जा रहे कार्यों को शीघ्रता पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने थर्ड पार्टी के कार्यों को गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से कराते रहने के लिए कहा है। जिला अधिकारी ने छूटे हुए कार्यों के लिए अलग से कार्य योजना बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि जहां पर भी कार्य को कराने में कोई समस्या रुकावट आ रही है, उन समस्याओं को शीघ्रता के साथ निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन बेगम बाजार पुल का भी निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कार्य कब तक पूर्ण होगा इसकी जानकारी ली, जिस पर सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया थोड़ी से ही कार्य अवशेष है जो इस माह तक पूरा कर लिया जाएगा। बता दें इस अवसर पर सेतु निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक मनोज अग्रवाल, परियोजना प्रबंधक अनिरुद्ध यादव, लोक निर्माण विभाग के अधियासी अभियंता PK राय, उप जिलाधिकारी सदर अभिषेक सिंह, आर्किटेक्ट सूरज केसरवानी, अन्य संबंधित अधिकारीगण इस मौके पर उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी कार्यों का आज जायजा लिया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में जहां पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई, समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक और पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को याद किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी अलग अलग नेताओं ने अपने शब्दों में बयां किया और किस तरह से वो देश के लिए समर्पित हुए इस पर भी रोशनी डाली और इस मौके पर किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और क्या कुछ कहना था इस पर सपा नेता रविंद्र यादव का, आइए दिखाते हैं आपको। और देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का आज जयंती जिला कार्यालय मनाई गई। एक देश में संदेश जाना चाहिए जहां माइनॉरिटी को, मुसलमानों को टारगेट करके उनका उत्पीड़न इस प्रदेश की सरकार कर रही है, वहीं देश के मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी भी बलि दी है। और साथ ही आज संदेश जाना चाहिए जहां एक देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लिए बहुत ऐसे कार्य किए और देश की उन्नति के लिए हमेशा सोचा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, उनको संदेश जाना चाहिए कि आज भी देश का मुसलमान हमेशा देश के हित में सोचता है। मैं रविंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के महासचिव। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर जहां पर्यटन विभाग की अच्छी पहल की गई, जहां पर्यटन विभाग ने नाविकों के संग टूरिस्ट गाइडों को भी यहां पर ट्रेनिंग दी और साथ ही आगामी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, प्रयागराज की संस्कृति को समझें, जिसको लेकर जहां पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रेशन कराने वाले गाइडों को यहां पर ट्रेनिंग दी गई थी। और इस पर क्या कुछ कहना था पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह का, किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी और क्या खास सुविधाएँ होंगी गाइड के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, आइए दिखाते हैं आपको।
महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे मान्यवर काशीराम पर्यटन संस्थान के माध्यम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें 5 दिवसीय ट्रेनिंग हम लोग गाइड के लिए रख रहे हैं, 1 दिवसीय अपने नाविकों के लिए, और बाकी स्टेक होल्डर्स और जो भी इसमें टैक्सी टेम्पो ड्राइवर हैं उनके लिए भी 1 दिवसीय ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। इस प्रशिक्षण का यह उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाइडों को तैयार कर सकें, जिससे जो भी हमारे देशी और विदेशी पर्यटक आएं, उनको इस शहर से, महाकुंभ की पौराणिकता से, यहाँ की कहानियों से हम उनको बेहतर एक अनुभव उनको दे सकें और उनको बता सकें कि हमारे प्रयागराज में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं। उनका मानक ये है कि हम लोग जो अभी हम लोग फॉर्म निकाले हैं उसमें यह है कि आप एटलीस्ट 12th पास होने चाहिए। 12th पास होने के उपरांत जो है हम एक अभी स्क्रीनिंग करा के इनकी कुछ नॉर्मल से एक सवाल होते हैं, जो आप इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए, आप यहाँ के बारे में क्या जाने, ऐसे स्क्रीनिंग के तहत हम इनको ले रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग जो और अलग मल्टी लैंग्वेजेस में कोर्स करना चाहते हैं उनको हम इसमें से ट्रेनिंग कराने के बाद अलग कर लेंगे, और हम अपना जो एक प्रारूप बनाएंगे कि हिंदी के लिए आप इन गाइडों से संपर्क करें, अंग्रेजी अगर आपको चाहिए तो ये, इसके अलावा अदर लैंग्वेजेस के लिए आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास एप्लीकेशन अभी लगातार आ रहे हैं, हमारा जो गाइडों का टारगेट है वो लगभग 2000 के लगभग है, और बाकी नाविकों के लिए 1000 और 1000 आपके अदर स्टेक होल्डर्स के लिए, ये हम लोगों ने अभी ये तैयार किया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।